Hello everyone and welcome to AAA Ace Accounts with Tanikant. तो स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने YouTube चैनल एस अकाउंट्स विद अनिकांत। हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप और इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं पास्ट एडजस्टमेंट का, जहां पर अकाउंट्स क्लोज हो रखे होंगे, यानी जो कैपिटल बैलेंसेस होंगे वो ओपनिंग नहीं ईयर एंड के मिलेंगे, क्लोज्ड कैपिटल अकाउंट का बैलेंस मिलेगा। चलिए जल्दी से मैं क्वेश्चन पढ़ के आपको समझा देता हूँ। On 31st March 2020, last day of the year, है ना? 31st March 2020, that means last day of the year. The balances in capital accounts of Saroj, Mahinder and Umar after making adjustments for profit, और बोल दिया after making adjustments for profit and drawing were 80,000, 60,000 and 40,000 respectively. That means ये 80, 60 और 40 का जो बैलेंस दिया हुआ है ये 31st मार्च 2020 को है। 31st मार्च 2020 लास्ट डे ऑफ द ईयर है, यानी ये क्लोजिंग कैपिटल बैलेंसेज हैं। हमने जब कैपिटल अकाउंट को समझा था तब ये बात समझी थी कि अगर कैपिटल फिक्स्ड होती है तो फिक्स कैपिटल बैलेंस पे इंटरेस्ट दे देना है, पर अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है तो हमें ओपनिंग कैपिटल बैलेंस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। ये जो 80, 60 और 40 के बैलेंसेस हमें प्रोवाइडेड है क्वेश्चन में, ये ओपनिंग बैलेंसेस नहीं है, ये क्लोजिंग बैलेंसेस हैं। इनके अंदर प्रॉफिट का, एडिशनल कैपिटल का और ड्रॉइंग का एडजस्टमेंट ऑलरेडी हो रखा है और उसके बाद ये बैलेंसेस निकले हैं। मुझे रिवर्स जाकर ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी पड़ेगी अगर क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एडजस्टमेंट है तो, जो कि है। सब्सिक्वेंटली इट वॉज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स हैज़ बीन ओमिटेड। क्वेश्चन के अंदर बाद में हमें पता चला, कैपिटल क्लोज करने के बाद हमें पता चला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ओमिट हो गया है, मतलब करना रह गया है। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2020 वॉज 80,000। इस साल का प्रॉफिट था 80,000 का। देखते हैं कि इस प्रॉफिट को करेक्ट डिस्ट्रीब्यूट किया है या प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में भी गलती तो नहीं कर दी है। ड्यूरिंग द ईयर सरोज एंड महिंदर ईच विड्रू अ सम ऑफ 24,000 इन इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। टोटल सम विड्रॉ किया है 24 का और इक्वल इंस्टॉलमेंट में किया है एट द एंड ऑफ ईच मंथ, हर महीने के एंड में। एंड उमर विथड्रू 36,000 फ्लैट। तो सरोज और महिंदर की ड्राइंग है 24,000 टोटल, इक्वल इंस्टॉलमेंट में करी है, पूरे साल में करी है, यानी साल भर में 24,000 इक्वल इंस्टॉलमेंट में किया है और ईच मंथ किया है, यानी 2,000 एवरी मंथ विड्रॉ किया होगा, तो 12,000 टोटल विड्रॉ हो गया। और उमर का फ्लैट अमाउंट दे रखा है 36,000। कब विड्रॉ किया, कैसे विड्रॉ किया, कुछ भी इंफॉर्मेशन नोन नहीं है। तो सरोज और महिंदर के लिए तो हम शॉर्टकट फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इनका हर ड्राइंग का अमाउंट सेम है और मंथली ड्राइंग कर रखी है। दोनों में से किसी एक का भी निकाल लेंगे, दूसरा का ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा क्योंकि सेम ड्राइंग है। उमर के केस में थर्ड सिनेरियो आ जाएगा जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाले वीडियो में मैंने आपको समझाया था। यहाँ पर इनकी ड्राइंग के अमाउंट पर सीधी रेट अप्लाई कर दी जाएगी और अज्यूम कर लिया जाएगा एवरेज पीरियड एज 6 मंथ्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करना है 5% का, क्वेश्चन में ही मेंशनड है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना था 10% पर एनम का, जो नहीं दिया है वो भी हमें कंप्यूट करना है, पर उसके लिए पहले मुझे ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो था वो पार्टनर का था 4:3:1, ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। क्लियरली वर्किंग्स हमें शो करनी है और पास करनी है एक नेसेसरी रेक्टिफाइंग एडजस्टमेंट एंट्री, सिंगल नेसेसरी रेक्टिफाइंग एडजस्टमेंट एंट्री। सबसे पहले मैं वर्किंग कैपिटल वर्किंग नोट बनाकर ये पता कर लेता हूँ कि ओपनिंग कैपिटल कितनी थी। वर्किंग नोट, फर्स्ट वर्किंग नोट, कंप्यूटेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। पर्टिकुलर्स सरोज, महिंदर एंड उमर।
क्लोजिंग कैपिटल इन तीनों पार्टनर्स के क्वेश्चन में जो मेंशन्ड है वो है 80, 60 एंड 40। 80,000, 60,000 एंड 40,000। वी नो दैट ओपनिंग कैपिटल में ड्रॉइंग सब्ट्रैक्ट करी जाती हैं और प्रॉफिट ऐड किया जाता है तो क्लोजिंग कैपिटल आती है। तो क्लोजिंग कैपिटल में से मैं प्रॉफिट सब्ट्रैक्ट कर दूंगा और ड्रॉइंग्स ऐड कर दूंगा। आई वुड डू जस्ट द ऑपोजिट टू ऑब्टेन द ओपनिंग कैपिटल। ओके, प्रॉफिट है इस साल का क्वेश्चन के अंदर मेंशन 80,000 का। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी मेंशन्ड है 4:3:1 एंड प्रॉफिट है 80,000 का, ये क्वेश्चन में ही मेंशन्ड है। तो 4+3=7+1=8, तो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की टोटल हो रही है वो भी 8 हो रही है। तो बहुत ही आसानी से हमारा ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 40,000, 30,000 एंड 10,000। ये सब्ट्रैक्ट कर लूँगा तीनों पार्टनर्स की कैपिटल में से। ड्रॉइंग सरोज और महिंदर की टोटल सम है 24,000 का। सो 24,000 और उमर की जो ड्रॉइंग है वो सीधी की सीधी कितनी है 36,000 की है, क्वेश्चन में स्ट्रेट अप मेंशन्ड है। ठीक बात है, तो इसमें मैं ये ऐड कर लूँगा। अब मुझे निकालनी है, ये कैलकुलेशन करने के बाद पता चल जाएगा हमें ओपनिंग कैपिटल। 80 में से 40 सब्ट्रैक्ट किया 40 आया, 40 में 60 24 ऐड किया तो 64 निकल के आएगी क्या हमारी ओपनिंग कैपिटल। 60 में से 30 सब्ट्रैक्ट किया 30 में 24 जोड़ा तो ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी 54। 40 में से 10 गया 30 में 36 ऐड किया तो 66,000 की ओपनिंग कैपिटल आ गई। इस पर अगर अब मैं रेट लगा दूंगा जो कि क्वेश्चन में मेंशन्ड है 10% की, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। ड्राइंग्स का भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमें वर्किंग नोट लगेगा, तो आई एम प्रिपेयरिंग माय सेकंड वर्किंग नोट, कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। फर्स्ट आई एम कैलकुलेटिंग फॉर सरोज एंड महिंदर। इन दोनों ने ही सिमिलर तरह की ड्राइंग करी है और इन्होंने करी है एंड ऑफ ईच मंथ। ये लैंग्वेज में ही गिवन था, तो एवरेज पीरियड वुड बी इक्वल टू, फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं मैं, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। पहली ड्राइंग करी होगी साल के पहले महीने के आखिरी दिन, 11 महीने बाकी हैं साल ख़त्म होने में, और दूसरी करी होगी साल के आखिरी दिन, तो एवरेज पीरियड आ जाएगा 5.5। एवरेज पीरियड की कैलकुलेशन मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाले वीडियो में बहुत अच्छे से बता रखी है, जिन बच्चों को अभी समझ में नहीं आ रहा है पहले जाइए वो वीडियो देखिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वुड बी इक्वल टू अमाउंट ऑफ ईच ड्राइंग विच इज़ 2000 इनटू नंबर ऑफ ड्राइंग 12, और यू कैन स्ट्रेट अप राइट 24,000 इन इट्स प्लेस, दोनों ही सही है। इनटू रेट, क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने की रेट है 5%, इनटू एवरेज पीरियड दैट इज 5.5, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 55/120। कैंसिलेशन कर देता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, तो इंटरेस्ट निकल के आएगा इसका सरोज एंड महिंदर दोनों का ही 550 रुपीज़। 5 × 2 = 10 एंड देन 55 × 10 = 550। अब मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ ड्राइंग्स पर जो करी हैं उमर ने, फॉर उमर। इनका कोई भी टाइम पीरियड स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, तो टोटल सम विड्रॉन दैट इज 36,000 दैट हैज बीन गिवन टू मी इन द क्वेश्चन। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% की और एवरेज पीरियड कुछ भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होती है, तो 6 यूज़ कर लिया जाता है, 6/12।
दैट इज़ इट। 36,000 का 5% निकाला और उसका हाफ कर दिया, तो इनका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ रहा है 900 का। तो आई होप यहाँ तक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेशन करने तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना था, वो मैं कर चुका हूँ। अब मुझे बनाना है स्टेटमेंट ऑफ पास्ट एडजस्टमेंट, तो वो मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। उसका फॉर्मेट बना लेते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पास्ट एडजस्टमेंट। पर्टिकुलर्स, एवरी पार्टनर विल हैव वन बिग कॉलम फॉर देमसेल्व्स, सरोज, महिंदर, उमर एंड वन कॉलम फॉर फर्म, टू सब कॉलम्स, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट एंड सेम फॉर द फर्म। क्वेश्चन के अंदर जो इंफॉर्मेशन है वहाँ पर कहीं पे भी ऐसा मेंशन नहीं है कि प्रॉफिट गलत डिस्ट्रीब्यूट हो गए, ऐसा कहीं पे भी मेंशन नहीं किया हुआ है। इसका मतलब हमें प्रॉफिट सरेंडर करवाने की ज़रूरत नहीं है, जो एडजस्टमेंट देने रह गए थे बस उनको करेक्ट कर लीजिए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना रह गया था, तो सबसे पहले वो मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तीनों ही पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा तो उनकी कैपिटल जो है वो क्रेडिट हो जाएगी और फर्म डेबिट हो जाएगी। कैपिटल ओपनिंग मैंने कैलकुलेट करी थी ऊपर 64, 54 एंड 66, तो इस पे 10% लगा देना है, 6400, 5400 एंड 6600। तो ये मैं मेंशन कर देता हूँ, 6400, 5400 और जो उमर की कैपिटल आई थी वो 66,000 की आई थी, तो इनका हो जाएगा 6600। फर्म इस अमाउंट से डेबिट हो जाएगी, तो इन तीनों का सम टोटल 18,400 से फर्म डेबिट हो जाएगी। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनसे लेना रह गया था, जो कि कैलकुलेट किया था 550 फॉर एस एंड एम, तो ये डेबिट कर देता हूँ, 550 एस डेबिट कर देता हूँ, 550 एम भी डेबिट कर देता हूँ और 900 उमर डेबिट हो जाएगा। टोटल इंटरेस्ट है 2000 का, इससे फर्म क्रेडिट हो जाएगी। 2000, 550, 550, 1100, 1100 प्लस 900, 2000, इससे फर्म क्रेडिट हो जाएगी। और कोई पास्ट एडजस्टमेंट का मिस्टेक नहीं है, कोई एरर नहीं है जिसे रेक्टिफाई करना है। सबसे पहले मैं फर्म को बैलेंस करूंगा, फर्म के डेबिट की टोटल 18400 हो रही है, फर्म को बैलेंस कर रहा हूं मैं, और क्रेडिट की टोटल 2000 हो रही है, तो फर्म में क्रेडिट में मुझे 16400 लिखना पड़ेगा, तब जाकर फर्म बैलेंस होगी। तो फर्म की दोनों कॉलम्स की टोटल 18400 हो जाएगी। अगर फर्म में 16400 क्रेडिट हो रहा है तो सभी पार्टनर्स डेबिट होंगे, तभी ये जो पर्टिकुलर लाइन है ये बैलेंस होगी। तो क्योंकि पार्टनर अगर क्रेडिट होता है तो फर्म डेबिट होती है, पार्टनर अगर डेबिट होता है तो फर्म क्रेडिट होती है। यहाँ पे फर्म क्रेडिट हो रही है तो सभी पार्टनर्स डेबिट होंगे और रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, विच इज़ 4:3:1। तो 16,400 है और इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का सम आता है 8। 16,400 डिवाइडेड बाय 8 जब हम करेंगे तो पाएंगे 2050। अब 2050 को मल्टीप्लाई करते जाना है, तो सबसे पहले मैं उमर का लिख देता हूँ क्योंकि उसमें 1 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो 2050 से उमर डेबिट हो गया। फॉर महिंदर मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको 3 से, तो 6,150 आएगा। से महिंदर डेबिट हो जाएगा एंड फॉर सरोज मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2050 को 4 से। मैंने क्या किया, 16,400 को डिवाइड कर लिया एक बार 8 से, फिर उनको रेस्पेक्टिव फिगर से सिर्फ मल्टीप्लाई किया, सरोज का रेस्पेक्टिव शेयर एंड महिंदर एंड उमर।
ये देखिए अभी पार्टनर्स में भी सारी पोस्टिंग्स हो चुकी है, अब मुझे पार्टनर्स को बैलेंस करना है। दो पोस्टिंग है इसलिए फॉर एवरीवनस कन्वीनियंस मैं इधर टोटल करूँगा फिर बैलेंस करूँगा। तो सरोज के डेबिट की टोटल आ रही है 8750 और क्रेडिट की टोटल है 6400। फॉर महिंदर डेबिट की टोटल है 6700 एंड क्रेडिट की टोटल है 5400। यहाँ पे डेबिट की टोटल है 2950 और क्रेडिट की टोटल है 6600। 8750 की टोटल है डेबिट की सरोज की और 6400 की क्रेडिट की है। तो कम कहाँ पड़ रहा है? क्रेडिट में पड़ रहा है। कितना कम पड़ रहा है? 2350। तो खाली कौन सा कॉलम है? खाली कॉलम है सर डेबिट का, तो आप डेबिट लिख देंगे। फॉर महिंदर डेबिट की टोटल है 6700, क्रेडिट की टोटल है 5400। तो 6700 माइनस 5400, क्रेडिट में कम पड़ रहा है 1300। खाली कौन सी जगह है? खाली कॉलम है डेबिट वाला, तो डेबिट लिख देंगे। नाउ फॉर उमर 6600 क्रेडिट की टोटल है पर डेबिट की टोटल सिर्फ 2950 है, तो कम पड़ रहा है कहाँ? डेबिट में 3650। खाली कौन सा कॉलम है? क्रेडिट का, तो क्रेडिट कर देंगे। पार्टनर्स की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग थी ऑफ कोर्स, क्योंकि मैंने ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट किया है। फाइनल एंट्री कैपिटल अकाउंट से ही पास होगी और फाइनल एंट्री जो पास होगी वो है सिंपली सरोज कैपिटल अकाउंट DR, महिंदर्स कैपिटल अकाउंट DR टू उमर्स कैपिटल अकाउंट। ये फाइनल एंट्री हमेशा टैली हो रही होगी। अगर नहीं हो रही है इसका मतलब आपने कुछ मिस्टेक किया है आपके कैलकुलेशन में एंड यू नीड टू चेक दैट। तो फाइनल जर्नल एंट्री मैं पास कर देता हूँ, सरोज कैपिटल अकाउंट DR महिंदर्स कैपिटल अकाउंट DR टू उमर्स कैपिटल अकाउंट 2350 से डेबिट, देन 1300 से डेबिट, 3650 रुपीज से क्रेडिट हो जाएगा महिंदर। नरेशन आपको लिखना है बीइंग पास्ट एडजस्टमेंट मेड एंड दैट वुड बी इनफ। दिस इज अ सल्यूशन ऑफ अ क्वेश्चन जहाँ पे क्लोज कैपिटल दी हुई थी, पास्ट एडजस्टमेंट हमने किया। आपको वीडियो ज़रूर से समझ में आया होगा, तो फटाफट से लाइक कर दीजिए। कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में पूछिए। वीडियो को, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, और जिसको भी इस चैनल से हेल्प हो सकती है किसी भी तरीके से उनके साथ प्लीज़ शेयर करिए। चैनल के सब्सक्राइबर नहीं है तो फटाफट से वो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो। चैनल के सब्सक्राइबर हो अगर आप तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप ही लोग हैं जिनकी वजह से मैं रोज़ वीडियो बनाने को मोटिवेट होता हूँ। बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी चैनल पर कोई नया वीडियो अपलोड हो। अगले वीडियो में मिलते हैं जल्द ही और पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन करने के लिए। अगले वीडियो तक के लिए बाय, और मैं विश करता हूं कि आपका आज का दिन बहुत ही बढ़िया और जबरदस्त हो।